आज हम आपको बता रहे हैं कि वैभव लक्ष्मी की पूजा करने का विधान और व्रत की विधि क्या है। शुक्रवार के दिन प्रातः काल स्नान के बाद महिलाएं शुद्ध होकर साफ वस्त्र धारण करें, सुबह मंदिर की साफ सफाई करें और मां लक्ष्मी का ध्यान करके सारा दिन व्रत रखने का संकल्प लें। पूरे दिन आप फलाहार करके यह व्रत रख सकते हैं, चाहे तो शाम को व्रत पूर्ण करने के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शुक्रवार को पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को स्नान करें, पूजन करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर वैभव लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और श्री यंत्र को तस्वीर के पीछे या बगल में रखें। वैभव लक्ष्मी की तस्वीर के सामने मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाएं और उस पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर एक छोटी सी कटोरी में सोने या चांदी के आभूषण रखें। वैभव लक्ष्मी की पूजा में लाल चंदन, गंध, लाल वस्त्र, लाल फूल जरूर चढ़ाएं। प्रसाद के लिए घर में गाय के दूध से चावल की खीर बनाएं। अगर किसी कारणवश खीर न बना सके तो मां लक्ष्मी को भोग में आप सफेद मिठाई या फिर बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं। मां लक्ष्मी को यह भी प्रिय है, पूजा के बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें या वैभव लक्ष्मी मंत्र का यथाशक्ति जप करें। वैभव लक्ष्मी के व्रत में श्रीयंत्र की भी पूजा करें। पूजा के वक्त श्रीयंत्र को लक्ष्मी माता के पीछे रखे और पहले उनकी पूजा करें, उसके बाद वैभव लक्ष्मी की पूजा करें, उसके बाद व्रत कथा पढ़ें, उसके बाद आप गाय के घी का दीपक जलाएं। कथा पूजन के बाद मन ही मन कम से कम 7 बार अपनी मनोकामना को दोहराएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद मां लक्ष्मी का प्रसाद ग्रहण करके घर के मुख्य द्वार पर घी का एक दीपक जलाएं। आइए अब मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ। किसी शहर में बहुत से लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी, शराब जुआ व्यभिचारी चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में एक शीला और उनके पति की गिनती की जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। शराब जुआ चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया, फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी का आगमन हुआ। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था, उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में लाई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली कि क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बताओ। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई।
कहानी सुनकर माँ जी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शिला यह सुनकर खुश हो गई। शिला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोचने लगी कि माँ जी कहाँ गई। शिला को यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शिला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। उस दिन उसने शिला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शिला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शिला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शिला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शिला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। दोस्तों, माता वैभव लक्ष्मी की कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।